सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं सबका फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एंडी ब्लॉग में। सो गाइस, अभी जो है हम सुबह सुबह आए हुए हैं गोपालगंज, कोई काम था, लेकिन जो काम था वो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहां से चल रहे हैं घर, और अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 4:47, और आप मौसम से पता लगा ही सकते हो कि सुबह के अभी 4 बज रहे होंगे। तो काफ़ी पहले आए हुए हैं क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था। तो अब यहाँ चलते हैं वापस घर पे। अब सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ गोपालगंज का। जैसे आप देख सकते हो गोपालगंज जो है पूरे तरीके से पूरा खाली है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। और यही 1 घंटे के बाद नहीं बल्कि आधे घंटे के बाद से यहाँ पर पूरा बाइक लग जाता है, मार्केट ओपन हो जाते हैं। ये मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ, ये भी ओपन होगा, तो बस आधे घंटे के बाद से ये खाली खाली नहीं दिखेगा, आधे घंटे के बाद से तो धूप भी हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं वापस घर पे। तो गाइस, अभी जो है राइट 2 बज रहे हैं। पहले ब्लॉग शूट हुआ था सुबह 5 बजे, और अभी जो 2 बज चुके हैं, और अभी जो है हमें जाना है यहाँ से मैंगो लेने के लिए मार्केट में। और मार्केट में मैंगो लेने से पहले अब वो दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपको प्लाई दिख रहा है वो प्लाई यहाँ पर था, इसको हटा के मैंने साइड किया तो यहाँ पर एक सांप था। अब वो सांप क्या हुआ, वो डर के चलते जो है सांप चला गया इसके अंदर, और इसमें से जो है वो पाइप में चला गया। तो हमने क्या किया है कि मोटर ऑन किया है। मोटर ऑन करने से हुआ कि टंकी भर जाएगा, टंकी का पानी जो है नीचे गिरेगा, ओवर हो गया तो वो पानी जाएगा सीधे चैम्बर में, और चैम्बर में जैसे ही जब पानी जाएगा तो पानी पाइप में भरना स्टार्ट हो जाएगा, और पाइप में जब पानी भरेगा तो जैसे ही वाटर फ्लो हाई पे होगा वैसे ही जो सांप भी धीरे धीरे हाई पे आता जाएगा। फिर हम एक लकड़ी लगाकर उस सांप को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो अभी जो है पानी भरने का वेट करते हैं, तब तक जाके मार्केट से हम लोग मैंगो लेकर वापस आते हैं। तो गाइस, अभी जो है हमने यहाँ पे आम ले लिया है, अब लेकर चलते हैं घर। और पानी जो है अभी भरा नहीं है, तो पानी भरने में टाइम लगेगा कम से कम, मेरे ख्याल से लाइट तो है ही, तो कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे पानी भरने में। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर। यहाँ पे जो है पानी भर चुका है, लेकिन अभी ऐसे की दिख नहीं रहा है, तो चलते हैं नीचे। पहले हम मोटर को ऑफ कर देते हैं ताकि पानी ओवरफ्लो ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है सांप आ चुका है। यही वो स्नेक है जो कि पानी के अंदर चला गया था, फाइनली बाहर आ गया। तो गाइस, अभी जो है शाम के 5:10 हो रहे हैं, और मैं यहाँ पे ललन चाकर ढूंढने के लिए, जो कि पिछली बार काम किए थे दुकान का, तो उनको ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो जो है मिल गए हैं, लेकिन वो है दूसरे साइड, तो उस साइड से चलना है हमें। तो चलिए चलते। यहाँ पर जो है मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, देख सकते हो मौसम जो है पूरा ख़राब ही है। बारिश आया था, लेकिन फिर एक बार और आने के चांसेस हैं क्योंकि हवा भी बह रही है, तो देखते हैं क्या होता है मौसम का। तो हमें जो है यहीं से 5 सेकंड लेना है, इस रास्ते से होकर चलना है, लेकिन यहाँ पे जो है तार टूटा हुआ है, फिर भी चल। यहाँ के रास्ते जो हैं बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, देख सकते हैं तो रास्ता पतला है, और जब बारिश आती है तो इसी पतले रास्ते में पूरा पानी लग जाता है, प्लस मिट्टी जो है गीली हो जाती है, जिसके चलते जो चक्का जो है स्लिप खा जाता है, और वैसे भी स्कूटी का जो चक्का है वो छोटा छोटा होता है। खैर, हम लोग रास्ते पर पहुँचने वाले हैं। तो ये है हमारे गांव का रास्ता, यही रास्ता आप देख सकते हो। अब रास्ते से देख कर सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। खैर, अभी तो पहुँच गए, और ललन चाय कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ललन चाचा जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं।
का इलाका हो ना पहले सरला का बोलो भाई। अब जैसे ही देख सकते हो यहाँ पे जो है पूरा रात हो चुका है। सो गाइस फाइनली जो है मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और जैसे कि आपने देखा कि मैं ले गया था बुलाकर ललन चा को वहाँ पे दुकान पे। तो क्या काम था मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो वहाँ पे बन रहा था खाना, क्योंकि जब से दुकान वहाँ पे गया तब से कुछ बना नहीं है, मतलब किसी को खिलाया नहीं गया। जो मकान मालिक है वहाँ के वो किसी को खिलाया नहीं है, तो इसके लिए जो है वहाँ पे खाना बन रहा था, जो कि बना रहे थे पापा जी और उनके हेल्पर में काम कर रहे थे ये ललन चा। तो इन दोनों को बुला के ले गया था मैं इसीलिए, और जो भी बनाना था वो इस टाइम पर बन गया था। अब केवल खिलाना बाकी था, अब जो भी है वो लोग अपना कर लेंगे, उसमें हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो है मैं आ चुका हूँ घर पे, और आइए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करें दोस्तों के साथ, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।